देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा के बाद कांग्रेस की थोड़ी उम्मीदें बनी हैं। लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर किसानों से धोखेबाजी करने का आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, लिहाजा किसानों को लेकर राजनीति तेज होना लाजमी है। कांग्रेस का कहना है कि जो किसान शिवराज सरकार में दुखी हुआ करते थे, कर्ज माफी से उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है और वो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देंगे। कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी को बड़ा कदम मान रही है। उधर बीजेपी कांग्रेस को किसानों का विरोधी बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने किसानों का कर्ज माफ कर उनके साथ धोखेबाजी की है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य धैर्यवर्धन शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार प्रदेश के किसानों तक मोदी सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुँचने दे रही है। भले ही किसान मजदूर होने के साथ साथ मजबूर भी हो, लेकिन चुनावी जंग में किसानों की ताकत से सभी परिचित हैं। यही कारण है कि सभी दल किसानों का भरोसा जीतकर लोकसभा चुनाव में बाजी मार लेना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से कुलदीप की रिपोर्ट।